हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विंटेरा। आज मैं लेकर आई हमारे सॉफ्टवेयर की कमोडिटी मार्केट के साथ, यानी कि क्रूड ऑयल लेकर आई हूँ। इसमें से आज के दिन, यानी कि आज 24 जून है, आज कितना प्रॉफिट इसमें से मिला है और कितना सिग्नल रिवर्स हो गया है ये भी दिखाएंगे। और आज की, यानी कि आज दो ट्रेड इसमें से हमने लिया है, दोनों ट्रेड में से अपन को तीनों टारगेट अचीव किया थे। एक ट्रेड में से अपन 3,500 रुपीज़ हमने कमाया है और दूसरी ट्रेड में से अपन को 125 पॉइंट्स के हिसाब से हमने प्रॉफिट लिया है। टोटल 12,500 रुपीज़ उसमें से मिला है और दोनों कुल मिलाकर अपन को 16,000, दोनों ट्रेड अपने लिया है, दोनों सक्सेसफुल है, दोनों तीनों टारगेट अचीव किया है और दोनों में से हमने 16,000 प्रॉफिट कमाया। इसमें से ये प्रॉफिट कैसे कमाया है और आपको कहाँ से एंट्री ले सकता था और कहाँ से एक्सिट कर सकता था और कौन सी पॉइंट में आप एक्सिट करूँगी तो आपको टारगेट हिट होगा, ये भी मैं आज लेकर आई हूँ हमारे सॉफ्टवेयर के लाइव परफॉर्मेंस के साथ। यानी कि क्रूड ऑयल का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने सेट किया है। इसमें आप देख सकते हो ये डे ब्रेकर लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था। इसमें मॉर्निंग में कल की बाई की कंटिन्यूएशन की तरह गए थे, पर मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा डाउन जाकर ओपन हुए थे, यानी कि बाई कंफर्म नहीं था, फिर भी मॉर्निंग में साइडवे था। साइडवे थोड़ा सा रेसिस्टेंस भी ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आए थे, तो यहाँ पे हमने लिया नहीं है तो भी ये सेल कॉल यानी कि एक्चुअली कमोडिटी मार्केट थोड़ा ऊपर जा, क्योंकि हम लोग हमेशा मॉर्निंग में लेते नहीं है, लगभग थोड़ा 11:30-12 बजे तक हम लोग वेट करते हैं मॉर्निंग मार्केट किस तरह मोड़ लेता है, क्योंकि हमेशा मॉर्निंग में लेना भी ठीक नहीं है, तो इसके लिए हमेशा थोड़ा वेट करके लेना ही बेटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्की कॉल अपन को हमेशा 11:30 और 12 के बीच में मिला था अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 11:30 के बाद ये सेल कॉल हमें मिला है, तब कंफर्म नहीं था, तब कंफर्मेशन आ गया था तो ये सपोर्ट ब्रेक किए थे और सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद तब भी कंफर्मेशन नहीं आया, तो अपन ने दूसरी तीसरी कैंडल की ओपनिंग रेट को ले सकते थे 8175 से अपन ने लिया था, तो मार्केट का नीचे जाकर 8133 तक गए थे। तो इसमें से आराम से हमको कंफर्मेशन के बाद चेक करेंगे तो 3,500 रुपीज़ के हिसाब से हम कमा सकते थे अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद एक बाई सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है, तो ये बाई सिग्नल हमेशा मैंने पहले भी बोला था, ऐसे कैंडल के ऊपर जब सिग्नल बनते हैं थोड़ा वेट करके अपन को लेना चाहिए, तो हमेशा ये सिग्नल सक्सेसफुल होने का चांस नहीं, हमेशा रिवर्स होने का भी चांस है, इसके लिए हम आराम से वेट करने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिग्नल आ गया था 13, यानी कि 1:30 के बाद आए थे, 8193 में अपने एंट्री लिया था, उसके हिसाब से तीन टारगेट यहाँ पे दिया है, तो अपने आराम से एंट्री लिया था रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद। रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी, उसी के बाद भी हम कंफर्मेशन आए थे तब लिया था, तो ये कैंडल में हम ले सकते थे 8203 से अपन ने लिया था, तो 8324 तक मार्केट गए थे, यानी कि आराम से इसमें से 125 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट बाई की तरफ है, रेसिस्टेंस फिर से ब्रेक किया था, अभी तक किसी ने लिया नहीं है तो भी ले सकते आराम से, तो इसमें से कंफर्मेशन के बाद भी हमने लेगा तो 125 पॉइंट्स के हिसाब से हमने आराम से हासिल किया इसमें। ओके, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें हमारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से हर सिग्नल कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि कंफर्मेशन चेक करने के लिए आपको पहले भी पता है कैंडल कलर, वॉल्यूम बार और प्राइस इन बाय सन, ऐसे तीनों, यानी कि सेल सिग्नल है तो भी कैंडल कलर रेड में बनना चाहिए, नीचे भी रेड बनना चाहिए, प्राइस इन सेल जोन भी बनना चाहिए, और साथ में बाई में भी ऐसा होता है, बाई में भी कैंडल भी रेड ग्रीन बनना चाहिए और नीचे भी ग्रीन बनना चाहिए और प्राइस इन बाय सन बनना चाहिए, तो ये तीनों साथ में कंफर्म्ड है तो आपको सेकंड कैंडल के ओपनिंग रेट को पोजीशन ले सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद लेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। सपोर्ट लेवल मतलब ब्लू कलर की स्टार होती है और रेसिस्टेंस लेवल मतलब रेड कलर की स्टार, ये एक लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ मोड़ेगा। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कलर्स, यानी कि ये रेड कलर और ग्रीन कलर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे दिखते हैं, 4 एक्स्ट्रा कलर बनता है, तो 4 एक्स्ट्रा कलर यानी कि ब्लू कलर, कभी वाइट, कभी होलो कैंडल्स, होलो और ग्रीन में कभी भी कन्फ्यूजन मत हो रही, ऐसे ये ग्रीन कलर के अंदर जो काली यानी कि एम्प्टी कैंडल्स होता है, होलो कैंडल्स, ये कैंडल्स और आपको व्हाइट यानी कि ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट और होलो कैंडल्स, ये 4 एक्स्ट्रा कलर साइडवे कहलाता है, और ये साइडवे जब आएगा तो मार्केट रिवर्सल की चांसेस है, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना है,
तो एक्सिट करना है तो भी आपको क्वेश्चन एक्सिट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अभी लेटा अभी फिलहाल यहाँ पे ऊपर दिखा रही है लेटेस्ट सिग्नल के हिसाब से कितना प्रॉफिट है, यानी कि अभी थोड़ा सा इसमें डाउन दिखा रही पर फिर भी 113 पॉइंट्स अपने हासिल किया है। तो टोटली देखूंगी तो 8326 तक गए थे, अभी 8306 चल रही, यानी कि 26 तक मार्केट जाकर थोड़े से डाउन यहाँ पे दिखा रही, पर फिर भी मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, तो इसके लिए ब्रेक हो गया तो भी मार्केट ऊपर जाएंगे। ओके, तो इसमें ये लेटेस्ट सिग्नल की जो भी डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगी, लेटेस्ट सिग्नल यहाँ पे बाई बनी थी उसके हिसाब से 1:23 के अंदर 8193 में एंट्री लिया था, 3 टारगेट दिया था अप्रोक्सीमेट, इसमें 12 पॉइंट के हिसाब से 3 टारगेट यहाँ पे देते हैं, तो 93 से आपने एंट्री लिया था 8240, तो तीनों टारगेट कुल मिलाकर अपन को कम से कम 50-60 पॉइंट होता है, तो उसमें से तीनों टारगेट अचीव होता है। तीनों टारगेट के बाद भी मार्केट काफ़ी तेजी से ऊपर गए थे। ओके, तो आज की क्रूड ऑयल में मैंने आपको दिखाया था कितना प्रॉफिट, क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग मार्केट में भी आपको कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एक्सिट करना है, ये मैंने आपको दिखाया था। आज मॉर्निंग में भी कंफ्यूजिंग मार्केट था, जब ओपन हुए थे कंफ्यूजिंग था, थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ से मार्केट नीचे गए थे, तो यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी तेजी से मार्केट नीचे ऊपर जाने के बाद यहाँ से बाई बनी थी, तो ये बाई अपन ने नहीं लेना, क्योंकि हड़बड़ी में मॉर्निंग में इतना लंबी दूर जब कंफर्मेशन होता है तो हमेशा वो रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए वहाँ से थोड़ा आराम से वेट करना है। तो अपन एंट्री लूँगी तो भी रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट मत करना, छोटा सा यानी कि स्मॉल प्रॉफिट स्कैल्पिंग करके आपको एक्सिट करना ही बेटर होता है। तो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे सेल में भी थोड़ा सा इतना दूर नहीं गए, तो ये कल की कंटिन्यूएशन थे, वो भी बहुत देर तक साइडवेज जाने के बाद मार्केट लगभग 10:30 के बाद मार्केट ऊपर गए थे, तो इसके लिए हमेशा थोड़ा रिवर्स कल की चांसेस था, तो अगर लेना ही है तो स्कैल्पिंग करो तो वो बेटर आइडिया है, तो नहीं तो प्रॉपर सिग्नल का वेट करो, प्रॉपर सिग्नल यानी कि कहाँ से प्रॉपर सिग्नल आते हैं, तो प्रॉपर सिग्नल कन्फर्म होने के बाद कौन सी पॉइंट में लेना चाहिए वो मैंने आपको आज दिखाया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यानी कि आपको कैसे कहाँ से एंट्री लेना था और कहाँ से एक्सिट करना है, तो कन्फ्यूजन लग रहा है आपको, सामने से कॉल कीजिए मुझे 8139-0999-4, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 9 to 9 ऑनलाइन में रहती हूँ, तो मेरा नाम सीमा कृष्णा है, तो आप सामने से मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू व्यूअर्स। कमोडिटी मार्केट नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर विंचर, पूरी मार्केट यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू में से सिंबल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ से फॉरेक्स भी मिलेगा, CFD, मेटल्स, क्रिप्टो और साथ में यहाँ पे NSE का मार्केट भी मिलेगा और आपको अग्री भी मिलता है और सब कुछ मार्केट एक ही साथ आपको एक ही सॉफ्ट में इंक्लूडेड है। इसमें से किसी को कौन सी कोई सा यानी कि आप पूरी मार्केट में करते हो तो आपको जो भी मार्केट में वॉल्यूम स्टॉक होते हैं यहाँ पे आप स्कैनर में सेट कीजिएगा और मार्केट वॉच में ऐड करके स्कैनर सेट करेंगे तो आइडेंटिकली आपको पूरी जो भी मार्केट आपको सिग्नल दे देता है वो आपको स्कैनर में भी सेट करेगा अलर्ट, यानी कि अभी थोड़ी सी पहले आप बॉक्स दिखे तो वो अलर्ट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू व्यूअर्स।